मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो नाम जो बदले की आखिरकारन लेडी डॉन कहलाता था, जिसका जिक्र हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में मिलता है, जो तकरीबन दाऊद इब्राहिम को मार ही देने वाली थी, जिसके ऊपर बॉलीवुड में एक वेब सीरीज भी बन चुकी है। तो आइए जानते हैं कौन थी वो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मनोज और आप देख रहे हैं न्यू टेक मीडिया चैनल। '90s का मुंबई अंडरवर्ल्ड के कारण बहुत ही मशहूर था, जहां एक से बढ़कर एक डॉन पैदा हुए थे और मुंबई पे राज करने के अपने सपने को पूरा करते करते मौत की गोद में सो गए। लेकिन आज हम आपको उस महिला की दास्तान बताने जा रहे हैं, जिसका सपना ही दाऊद इब्राहिम को मारने का था। हम बात कर रहे हैं अशरफ खान की, जिसे अंडरवर्ल्ड में सपना दीदी के नाम से जाना जाता था। कहानी है मुंबई में 90s के दशक की, जहां एक मुस्लिम परिवार की बेटी जिसका नाम अशरफ खान था, उसकी शादी महमूद कालिया नाम के शख्स से हो जाती है। अशरफ अपनी शादी से बहुत ही खुश थी, उसे अपनी लाइफ में फ्रीडम और आजादी चाहिए थी, जो कि शादी के बाद उसे मिल गई थी, जिसे वो बहुत ही खुश होकर जी रही थी। उसका पति महमूद भी उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करता था, जिसके चलते अशरफ इतनी लापरवाह हो गई थी कि उसका शौहर कहां से पैसा लाता था वो भी कभी नहीं पूछती थी। ऐसे 5 साल गुजर जाते हैं, तभी अशरफ की लाइफ में एक बहुत ही मनहूस पल आता है। एक दिन मुंबई के सेंटा क्रूज एयरपोर्ट पे दिन दहाड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इमैनुअल अमोलिक 4 गोली मारकर अशरफ के पति महमूद को मार देता है, जिसके चलते अशरफ की पूरी लाइफ बदल जाती है। अब वो पति की मौत का शोक मना ही रही थी कि तभी उस्मान नाम का एक आदमी उसे मिलता है। वो उसे बताता है कि उसके पति को दाऊद के इशारों पे मारा गया था, जिसका कारण ये था कि महमूद दाऊद के लिए काम करता था, लेकिन एक काम करने के लिए महमूद ने मना कर दिया था, जिस बात के लिए दाऊद ने महमूद को मरवा दिया है। अब अशरफ बदला लेने के लिए वो सब करने को तैयार थी, जो उसने पहले कभी भी नहीं किया था, जिसके चलते वो हुसैन उस्त्रा नाम के व्यक्ति से मिलती है, जो उसे 4 महीने की ट्रेनिंग देता है, जहाँ पे वो हथियार चलाना और सेल्फ डिफेंस सीख रही थी और बदला लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। सलवार कमीज पहनने वाली अशरफ अब जीन्स और टी शर्ट पहनने लगी थी। अब अशरफ का एक ही सपना था कि वो किसी भी तरह दाऊद से बदला लेना चाहती थी। एक दिन अशरफ को पता चलता है कि उसके पति की मौत का जो केस चल रहा था, अब वो हाई कोर्ट में चला गया है, जिसके चलते दाऊद को अब भारत आना पड़ेगा, जिस कारण अब उसे बदला लेने का मौका मिलने वाला था। लेकिन वो अंदर से जानती थी कि इससे भी बड़े बड़े केस दाऊद पे चल रहे हैं, उसमें वो कभी भी भारत नहीं आया है, तो उसका वो केस किस खेत की मूली है। तभी हुसैन अशरफ को बताता है कि तुम्हें गैम्बलिंग रैकेट और हफ्ता वसूली रैकेट को टारगेट बनाना चाहिए, जिसके चलते दाऊद भारत आ सकता है। और इस बात के चलते अशरफ मुंबई के मशहूर गैंगस्टर अरुण गौली से भी मिलने जाती है, लेकिन अशरफ की सारी बातें सुनकर अरुण गौली कुछ भी नहीं कहता, वो बस सिर्फ उसे सांत्वना देता है और वहाँ से अशरफ को जाने को बोल देता है, जिस बात को अशरफ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गई थी। वो समझ गई थी कि गौली एक मुस्लिम लड़की का साथ देना नहीं चाहता था, जिसके चलते वो किसी भी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता था, और इसे इस बात का भी डर था कि ये आई हुई लड़की कहीं दाऊद की एजेंट भी हो सकती है। इस बात को अशरफ ने बहुत ही सीरियस लिया था। वो समझ गई थी नाम के कारण अंडरवर्ल्ड में उसे बहुत दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। इस वाक्य के बाद अशरफ अपना नाम बदल देती है और अपना जो सपना उसे पूरा करना था उसी काम को वो अपना नाम बना देती है, यानी कि वो अब सपना के नाम से जानी जाती थी। सपना अब सारे गैंगस्टर और पुलिस के साथ जो भी डील करती थी उसमें अपना नाम सपना बताया करती थी, जिसके चलते सपना नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड में बहुत चर्चित नाम बन गया था। सपना के नाम के साथ दीदी नाम कैसे जुड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल सपना का पति महमूद एक प्रोटेक्टिव इंसान था, वो जानता था कि अंडरवर्ल्ड के लोग कुछ भी कर सकते हैं, जिसके चलते वो अपने साथीदार और दोस्तों को अपनी पत्नी को दीदी कहलवाता था, जिस कारण सपना के नाम के साथ दीदी नाम जुड़ गया था। महमूद के जाने के बाद सपना ने एक सब इंस्पेक्टर से भी शादी कर ली थी, लेकिन अपनी खूबसूरती के कारण उसके कई सारे सीक्रेट लवर भी बन गए थे, जो उसकी जान के भी पीछे पड़ गए थे, लेकिन सपना उन सभी से निपटना भी जानती थी। जैदी की किताब के अनुसार एक बार सपना ने शारजहां में क्रिकेट मैच के दौरान दाऊद इब्राहिम को मारने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया था, लेकिन सपना का ये सपना अधूरा ही रह गया था। दरअसल सपना ये काम करने वाली थी उसके अगले दिन की रात को ही कुछ अनजान लोग उसके घर आकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं। फरवरी 99 को सपना की मौत हो गई थी। पुलिस इस वाक्य के बारे में बताती है कि सपना का मर्डर सबसे ज्यादा खौफनाक तरीके से किया गया था, जो इतिहास के सबसे खौफनाक मर्डर में से एक था।
तो दोस्तों ये कहानी थी जुर्म की दुनिया में दीदी कहलाने वाली अशरफ यानी कि सपना दीदी की। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आप अब किसके बारे में जानना चाहते हैं। जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करते जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक ऐसी ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।